नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में बड़ा एक्शन होगा कल, डेफिनेटली बड़े लेवल पे बड़ा एक्शन होगा। छोटे मोटे कारण नहीं है ना, क्योंकि कारण भी बहुत बड़े हैं। मैं आपके साथ इस वीडियो में पांच बड़ी बातें शेयर करने वाला हूं कल के बाजार को लेकर, और इस प्रकार की एक दो वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि यहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करूंगा। लेकिन कल बाजार केवल स्टॉक स्पेसिफिक ही नहीं, बड़े लेवल पे बड़े ट्रिगर्स दिखाएगा। पहले मैं आपको सारी चीजें बता दूं, चार स्टॉक हैं जो भयंकर आपके लिए मूवमेंट दिखा सकते हैं और अपने दम पर बाजार को हिलाने की दम रखते हैं, इतने दमदार स्टॉक्स हैं ये। और ये स्टॉक्स रिएक्ट करेंगे अपने क्वार्टरली नंबर्स पे। अब कैसे रहे हैं नंबर्स, शॉर्ट में समझेंगे, नंबर्स डिस्कस नहीं करेंगे, बस कैसे रहे हैं, कैसा रिएक्शन रहेगा इसको, तेजी मंदी इसके बारे में बात करेंगे। तो वहां पे पहला नाम डेफिनेटली होगा सबसे बड़ी कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देन बात करेंगे बैंक निफ्टी से HDFC बैंक का। और बैंक निफ्टी से दोस्तों केवल HDFC ही बैंक ही नहीं, बहुत सारे NBFCs और बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स हैं, जिसमें आप कोटक बैंक, यस बैंक, RBL बैंक और आप दो चार चीजें और हैं जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, जिनके नंबर्स आते हुए दिखे, चाहे वो NBFCs से हो। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो होने वाला है, थर्ड आपका कोटक बैंक है, और फोर्थ जो आपका होने वाला है वो IT सेक्टर से विप्रो है, जिसने पूरा खलबली मचा के रखी हुई है। इससे प्रीवियस वीडियो डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया आप सभी के साथ, क्योंकि ADR ना 11% चटक गया है, तो वो अपने आप में एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया है। और पांचवें नंबर पे क्या है वो समझ लीजिए, पांचवें नंबर पे इंडिया विक्स। जी हाँ, काफी लोग इसके बारे में समझते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन इंडिया विक्स दोस्तों कवर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 14.83 पे ट्रेड करता हुआ दिखा है फ्राइडे को, 2% बढ़कर बंद हुआ है। इंडिया विक्स डेफिनेटली आपके लिए 15.5-16 तक भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 15 तक की तो मैं डेफिनेटली उम्मीद कर रहा हूं। तो आप कह सकते हो कि इंडिया विक्स में उछाल आना तय है, वो इसलिए कि आप बजट से पहले रिएक्ट कर रहे हो और आप मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर रहे हो। हालांकि मंथली एक्सपायरी तो इस समय सब भूल चुके हैं, लेकिन बजट सबके दिमाग में होगा, तो फिर बड़े मूव अपने आप में बन जाते हैं। और निफ्टी जिस लेवल पे खड़ा है वो लेवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं एक डिटेल वीडियो में कवर करूंगा, हो सकता है वो दिन की लास्ट वीडियो होगी, तो वो सारी चीजें अपने आप में देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी को। दोस्तों निफ्टी की बात करें तो रिलायंस सबसे बड़ा वेटेज लेके बैठा है निफ्टी में, और रिलायंस इतना पावरफुल है कि अगर 2% ऊपर हो गया तो निफ्टी को अपने दम पर ऊपर खींच देगा, और 2% नीचे हो गया तो अपने दम पर ही निफ्टी को 50-70 पॉइंट घसीट देगा नीचे की तरफ। अब रिलायंस की बात करें तो इसके नंबर आए हैं, इसमें बहुत सारे कारोबार हैं, आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि एक रिलायंस जियो का टेलीकॉम बिजनेस में, और वो मार्केट लीडर है, और जो नंबर आए हैं रिलायंस जियो के वो काफी दमदार, काफी शानदार है। फिर आपका रिलायंस रिटेल खड़ा है, वो भी 8-9 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आ चुकी है कंपनी, रिलायंस रिटेल के नंबर आते हुए दिखे। फिर रिलायंस का तेल का कारोबार है, तेल के कारोबार के नंबर आते हुए दिखे। तो ओवरऑल अगर देखे जाए तो रिलायंस के नंबर कैसे रहे, हल्के से कमजोर साइड पे रहे हैं, अनुमान से कम, लेकिन रिलायंस का शेयर गिरने के लिए तैयार नहीं है। उसके पीछे भी मैं आपको कुछ साइकोलॉजी बताता हूँ। एक तो अभी आपको दिख ही रहा है अंबानी परिवार कैसे छाया हुआ है वेडिंग के चलते, तो वो सेंटिमेंटल चीजें जो अभी रिलायंस को डेफिनेटली पुल अप करके रखेंगी, नीचे नहीं गिरने देंगी। तो मेरा मानना है कि रिलायंस सपोर्ट प्लेस है नीचे, अराउंड 29,000-23,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, वो ब्रेक नहीं करेगा जहां तक लगता है। और ऊपर में बात करें तो 3200 रुपये, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं कि वो मेरे को लगता है कि एक रेंज है जहां तक पहुंचना चाहिए, पहुंचा, प्रॉफिट बुकिंग आ गई 3100 पे है। अब 3100 से 3000 की तरफ जाता है तो भी 3% के करीब की गिरावट हो सकती है, और 3100 से 3200 की तरफ जाता है तो भी 3% की तेजी है, तो वो डामाडोल चीज है, उसको हम जज ही नहीं कर सकते ऊपर या नीचे, तो वो हमें ओपन मार्केट में ही देखना पड़ेगा कि किधर जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ फ्लैट हो जाए, कुछ करे ही ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि करने के लिए कल बहुत कुछ है, आप बस परेशानी मत देना, इतना ही चाहते हैं हम तो। अगले आगे बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ, और वो है HDFC बैंक। तो बैंक निफ्टी भी अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, और बैंक निफ्टी का लीडर है भाई साहब HDFC बैंक, जिसके रिजल्ट्स आए हैं। अब रिजल्ट्स कैसे हैं उसको समझने से पहले आपको समझना होगा, क्वार्टर वन की जब अपडेट आई थी तो HDFC बैंक का शेयर टूट गया था, काफी हैवी टूटा था, और जो रिजल्ट आए हैं वो खराब बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि HDFC बैंक बाउंस बैक मार सकता है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी को और निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी का भी तो हिस्सा है HDFC बैंक, ऐसा तो नहीं है कि केवल बैंक निफ्टी में है, तो दोनों को ये सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है
1-1.5% की तेजी में आ सकता है HDFC बैंक का शेयर, ऐसा मेरे को लगता है। और अगर नीचे की तरफ धकेला तो भैया परेशानी, प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, बट ओवरऑल पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए हमें HDFC बैंक पे। कोटक बैंक की बात करें तो इसके तो नंबर्स भी अच्छे आए, तो ये एडिशनल सपोर्ट करने की कोशिश करेगा आपको बैंक निफ्टी में। कोटक बैंक पे थोड़ी उम्मीदें मेरी ज्यादा है, मेरा मानना है कि कोटक बैंक 1.5% तक ऊपर आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं। कोटक बैंक की प्रॉब्लम है कि वो ऑलरेडी चला हुआ है, यानी कि आपने नोटिस करा होगा मैंने 3 स्टॉक में किसी में भी क्रिस्टल क्लियर व्यू नहीं दिया। अब कुछ लोग हमारे ट्रोलर होते हैं ना, वो ये कहेंगे भाई क्लियर तो बताओ यार, ऊपर नीचे क्या फायदा हुआ। ऊपर नीचे के लिए मैं आपको जब शेयर होता है तो ठोक के कहता हूँ, बजा के कहता हूँ कि भैया ये इतना और परसेंट भी बताता हूँ कि इतने परसेंट खुलेगा ऊपर, इतने परसेंट नीचे। यहां चीज बन ही नहीं रही। कोटक के नंबर अच्छे हैं, किसी से भी एनालिसिस करवाओ नंबर अच्छे बताएगा, लेकिन शेयर चला हुआ है तो अब और कितना चलेगा। 1.5% में कह रहा हूं गैप अप आ सकता है, लेकिन अगर नहीं आया तो रीजन होगा कि भाई शेयर पहले से चला हुआ है, ये रीजन हो सकता है। HDFC बैंक चलना चाहिए और रिलायंस बहुत मिले जुले नंबर है। अब विप्रो बचता है, विप्रो का ADR टूटा है, डेफिनेटली टूटेगा ये स्टॉक। इंफोसिस का ADR भी टूटा है, वो भी टूटेगा, लेकिन उस गिरावट में उस शेयर को बेचना नहीं है, ना विप्रो को ना इंफोसिस को, ये मेरा क्रिस्टल क्लियर व्यू है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गैप डाउन होते ही बेच देना, बट वो तो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट 10% 5-6% गैप डाउन हो तो भले ही बेच दो, लेकिन 10% गैप डाउन खुले तो फिर बेचने का मतलब नहीं बनता, फिर तो सपोर्ट लेवल पे आ जाएगा। तो ये बड़े ट्रिगर्स, बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।